प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर की पुस्तक से एक टॉपिक लेंगे, जिस टॉपिक का नाम है कोणार्क नाटक। इस कोणार्क नाटक का सार हम अपने शब्दों में आपको बताएंगे कि कोणार्क नाटक के अंतर्गत क्या है, ये किस प्रकार का नाटक है, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किस प्रकार का नाटक है, और लेखक की जो भावानुभूति है वह कैसी है। तो देखो, हम पढ़ाएंगे कोणार्क नाटक का सार। कोणार्क नाटक का सार, इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं कोणार्क नाटक के। तो देखो, ये जो कोणार्क नाटक है एक ऐतिहासिक नाटक है। कैसा है? ऐतिहासिक नाटक है। ये कोणार्क नाटक ऐतिहासिक नाटक है। मैं बता देता हूँ कि ये जो कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कृति है इसकी, और यह आकार में है जो बहुत आकार में छोटा है, लेकिन ये संपूर्ण है। आकार में कैसा है? आकार में छोटा है, पर यह संपूर्ण कृति है। देखो, सुमित्रानंदन पंत ने इसके विषय में जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे, सुमित्रानंदन पंत ने कहा था इस कोणार्क नाटक के विषय में कि हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। ये किसने कहा था? ये सुमित्रानंदन पंत ने कहा था कि हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगपूर्ण जो कृति है, सृष्टि है, वह मुझे अन्यत्र देखने को कहीं मिली नहीं, अन्यत्र देखने को नहीं मिली। मतलब उनके लिए ये कृति नाट्य कला की ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कृति लगी थी। तो देखो, इस कृति में क्या है, उड़ीसा प्रदेश में महाराज नरसिंह देव का राज्य था। किसका था? नरसिंह देव, ये महाराज थे नरसिंह देव। नरसिंह देव का राज्य था, कहाँ था? उड़ीसा प्रदेश में। उड़ीसा, जो आजकल ओडिशा के नाम से जाना जाता है, तो उसमें नरसिंह देव का राज्य था। मतलब नरसिंह देव नामक राजा थे, वो इस राज्य में शासन करते थे। उनका जो महाशिल्पी था, उस महाशिल्पी का नाम था विशु। इनके महाशिल्पी का क्या नाम था? विशु। इनका एक महाशिल्पी था, उस महाशिल्पी का नाम था विशु। देखो, उसने भुवनेश्वर में एक के बाद एक ऐसे चार मंदिरों का निर्माण किया था। महाशिल्पी विशु ने एक के बाद एक चार मंदिरों का निर्माण किया था। फिर भी राजा की कामना और विशु की साधना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी देखो,
पूर्वी सागर के तट पर कोणार्क में भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया था। जो पूर्वी सागर का तट था उस तरफ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाया गया था। इसमें जो भगवान सूर्य का मंदिर बनवाया गया था उसमें क्या था, उसमें 1200 शिल्पी और मजदूरों ने उसके लिए 12 वर्ष परिश्रम किया था। 1200 मजदूर और शिल्पी लगे हुए थे उसके अंदर काम करने के लिए, और 12 वर्ष में बन करके ये तैयार हुआ था। क्या? सूर्य मंदिर। ये भगवान सूर्य का मंदिर था। कौन सा था? सूर्य मंदिर। 1200 शिल्पी थे इसमें। शिल्पी कहते हैं मजदूरों को, और 12 वर्ष पूरा करने में, इसके पूरा करने में 12 वर्ष लगे थे। देखो जो ये सूर्य मंदिर था, ये सूर्य मंदिर में 1200 शिल्पी थे या मजदूर थे और 12 वर्ष परिश्रम किया था। और देखो सूर्य मंदिर के रथ के 12 पहिए थे। कितने पहिए थे? 12 पहिए थे, और वे दुर्ग की प्राचीर से भी बड़े थे। 12 पहिए थे इसके। कितने थे? 12 पहिए। 1200 शिल्पी लगे थे, 12 वर्ष में पूरा हुआ था, और 1200 पहिए थे। अब देखो रथ के जो घोड़े थे वो बहुत ही विशाल आकृति के थे, पर्वताकार थे। मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की जो मूर्ति थी वो चुंबक पत्थर के आकर्षण से अधर में लटकी हुई थी, शून्य में लटकी हुई थी। जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी वह चुंबक पत्थर के आकर्षण से शून्य में लटकी हुई थी, मतलब किसी भी प्रकार उसका सहारा नहीं था, केवल चुंबक के माध्यम से लटकी हुई थी, किसी पर टिकी हुई नहीं थी। देखो फिर भी जो ये मंदिर था, ये मंदिर का जो शिखर था वो पूरा नहीं हो रहा था। मंदिर पूरा ना होने पर, देखो मंदिर पूरा ना होने पर जो महाशिल्पी थे, कौन? विशु। वो महाशिल्पी विशु को एक चिंता हो गई थी, और वह राजीव से कहता है, राजीव भी इनके उसमें निकटतम संबंधी थे, तो राजीव से उसने कहा था कि क्या कहा था, जो महाशिल्पी थे विशु, उसने राजीव से कहा था कि अम्ल के ऊपर जो त्रिपट धर को हम कब स्थापित कर पाएंगे। राजीव से कह रहे जो अम्ल है उस अम्ल के ऊपर त्रिपट धर को कब स्थापित कर पाएंगे, जो उसका निर्माण हो रहा था उस मंदिर का, इसके बिना मूर्ति प्रतिष्ठापन का आयोजन किया ही नहीं जा रहा है, मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो ही नहीं सकता है, प्रतिष्ठित हो नहीं सकती है मूर्ति। तो राजीव ने विशु से कहा कि धर्मपद नाम का एक प्रतिभाशाली युवक है, और वह युवक शिल्पी अभी हाल में ही यहाँ आया हुआ है, वह तीक्ष्ण बुद्धि का है, उसकी IQ बहुत तेज है, अच्छी है, वह आपसे मिलना भी चाहता है। देखो कीर्ति स्तंभ पर गायकों के रूप में उसी ने उत्कीर्ण किए थे, कीर्ति स्तंभ पर जो गायकों के रूप थे वो उसी ने उत्कीर्ण किए थे। किसने उत्कीर्ण किए थे? धर्मपद ने। विशु ने उसे बुला लाने के लिए कहा था राजीव से, तो राजीव धर्मपद को विशु के पास ले आता है। विशु ने धर्मपद से कोणार्क के मंदिर को पूरा करने की बात कही, तब धर्मपद ने कहा कि इस कोणार्क मंदिर में वर्षों से 1200 से ऊपर शिल्पी काम कर रहे हैं, आप इनमें से कितने की पीड़ा से परिचित हैं, जो इसमें 1200 शिल्पी काम कर रहे हैं आप इनकी कितनी पीड़ा से, कितने शिल्पियों की पीड़ा से परिचित हो, इनके दुख दर्द को
कितने लोगों के दुख दर्द को जानते हो आप, कितने मजदूरों के दुख दर्द को जानते हो। तो इसमें महामात्य के भृत्यों ने, जो महामात्य थे उसके जो भृत्य थे, महामात्य के जो भृत्य थे, कवि कहते हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक थे, जगदीश चंद्र माथुर जो लेखक थे, उन्होंने कहा था कि इस उनके माध्यम से कहा था कि इस कोणार्क मंदिर के जो वर्षों से 1200 से ऊपर जो शिल्पी काम कर रहे थे, आप उनसे कितने लोगों की पीड़ा को जानते हो। ये किसने कहा था? धर्मपद ने कहा था, माथुर के कलम से। तो महामात्य के भृत्यों ने इनमें से बहुतों की जमीन छीन ली है। जो महामात्य के जो मंत्री थे उन्होंने इनकी जमीन को भी छीन लिया है, और कई मजदूरों की तो स्त्रियों को दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है। जो मजदूर हैं उनकी जो स्त्रियां हैं उनको दासियों की तरह काम करना पड़ रहा है। और विशु ने कहा कि राज्य की बातों में पड़ना शिल्पियों का काम नहीं होता है। विशु ने धर्मपद से क्या कहा था कि राज्य की जो बात है उनमें पड़ना शिल्पियों का काम नहीं होता है। देखो, धर्मपद ने कहा कि लोग अत्याचार और अकाल की मार सहें, लोग हैं अत्याचार और अकाल की मार सहें, और शिल्पी यौवन और विलास की मूर्तियां ही बनाते रहें, ये उचित नहीं है। पूछे जाने पर जो युवा शिल्पी धर्मपद ने कहा कि कोणार्क को पूरा करना अब भी कठिन नहीं है, वो पूरा हो जाएगा। तो महाशिल्पी विशु ने धर्मपद से कहा कि अगर 7 दिन में कोणार्क पूरा नहीं हो सका तो महामात्य चालुक्य के जो शिल्प सभी शिल्पी थे उन शिल्पियों के हाथ काट लिए जाने के लिए कहा है। तब धर्मपद ने विशु से कहा कि हाथ काटने की जो नौबत ही नहीं आए इसका उपाय किया जाना चाहिए। तो धर्मपद ने विशु से कहा कि इसका उपाय यह कि कोणार्क के कमल की जो पंखुड़ियां हैं उसे उलट देनी चाहिए। कोणार्क के कमल की जो पंखड़ियां हैं उसको उलटनी पड़ेंगी, तब कलश स्थिर रहेगा। तो विशु को धर्मपद की बात उचित लगी। विशु ने कहा कि यदि तुम कोणार्क के शिखर को स्थापित कर सके तो तुम्हें ही अपने स्थान पर प्रधानमंत्री प्रधान शिल्पी बना दूंगा। तो धर्मपद ने शिखर स्थापित करा दिया। नरसिंह देव ने महाशिल्पी विशु का जो सम्मान करने हेतु एक रत्नमाला उसे पहनानी चाहिए। विशु ने कहा कि हे देव, ये रत्नमाला का अधिकारी ये धर्मपद युवक है। उसने कहा था कि हे देव उस राजा से कि ये रत्नमाला का जो अधिकारी है वह धर्मपद है, यदि ये नहीं होता तो हम लोग मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाते। इसी ने कोणार्क के शिखर को पूरा किया है। किसने? धर्मपद ने। तो ये किसने कहा था? ये महाशिल्पी विशु ने उस देव से कहा था, उस राजा से कहा था। तो चालुक्य ने कोणार्क पर आक्रमण किया तो धर्मपद ने बड़ा पराक्रम दिखाया था। उसने बताया कि मेरे पास शक्ति वर्धक संजीवनी है। कौन सी? कंठहार एक संजीवनी है। जब उसने कंठहार सौम्य को दिखाना चाहा तो वह उसे नहीं मिला। वह लड़ते समय गले से गिर गया था उसका, तो जो विशु को प्राप्त हो गया था। तो विशु ने क्या किया, कंठहार के संबंध में सौम्य श्री को सब कुछ बता रखा था। इसलिए सौम्य श्री ने धर्मपद को बताया कि तुम्हारी माँ का नाम सारिका था। धर्मपद को क्या बताया कि तुम्हारी माँ का नाम सारिका था और विशु ही तुम्हारे पिता हैं। धर्मपद माँ द्वारा बताए गए पिता का नाम बताने को ही था तभी विशु ने कहा कि श्रीधर नाम था उसका। विशु ने कहा था कि उसका नाम श्रीधर था और वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ, विशु ने कहा था। तो विशु है
मेरा छदम नाम है। छदम नाम जानते हैं, विशु उसका छदम नाम था। उसने कहा था कि विशु मेरा छदम नाम है, वह सारका से दूर इधर भागाने पर मैंने रखा था। इस प्रकार पिता पुत्र विशु और धर्मपद का मिलन हुआ। विशु उस समय बहुत ही भावुक हो गया था। देखो, उत्कल नरेश नरसिंह देव अपने महामात्य चालुक्य को बहुत ही महत्व देते थे, किंतु चालुक्य ने नरसिंह देव को धोखा दिया। सौम्य ने बताया कि महापाशिक के सब अधिकार भी चालुक्य ने ही हत्या लिए थे। कवि कहते हैं कि महाशिल्पी विशु नहीं चाहता था कि उसकी जो लंबी साधना है, वो लंबी साधना की पराजय नहीं देखना चाहता था। लंबी साधना से निर्मित जो कोणार्क था, वो कोणार्क अत्याचारी चालुक्य के हाथों में जाए वे नहीं चाहता था। वह शिल्पी की पराजय नहीं देखना चाहता था। उसने भगवान सूर्य से अपनी व्यथा कही। उसने मंदिर में सूर्य की मूर्ति के आगे प्रणाम किया और कहा कि जब तुम्हारी उपासना का समय आया, तभी शिल्पी के रक्त से रंगे ऐ पावन हाथ तुम्हें अपनाने आ रहे हैं। हे मेरे देव, कोणार्क शिल्पी की पराजय का प्रतीक ना बने। विशु ने कुदाली लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया और कपाट अंदर से बंद कर दिया। कपाट मतलब उसके किवाड़। तभी चालुक्य सैवालिक तथा अन्य सैनिकों को लेकर के मंदिर के द्वार पर आ गया था। चालुक्य ने धर्मपद के तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनके समुद्र में फेंकवा दिया था। धर्मपद का शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंकवा दिया था चालुक्य ने। वह सौम्यश्री को भी धमकी दे रहा था। डरकर सौम्यश्री ने कहा कि विशु कपाट खोल दो। विशु ने कपाट नहीं खोले। वह ऊपर चुंबक के पास गया हुआ था और उसे तोड़ रहा था। धक्का देकर के कपाट खोले गए तो अंदर गया हुआ जो चालुक्य था, वह सैवालिक और कुछ सैनिक छत और दीवार गिरने से उनके नीचे दब करके मर गए, चालुक्य और चालुक्य के साथ ही। तो सौम्यश्री को घायल विशु दिखाई दिया, जो बाद में गिर करके मर गया था। उसने चालुक्य से प्रतिशोध लिया था, जो शिखर विशु के पुत्र धर्मपद ने पूरा किया था। उसके गिरे हुए पत्थर विशु के शव पर बिखरे हुए फूल से प्रतीत हुए थे। अब कोणार्क एक खंडर सा दिखाई पड़ता है। अब ये जो मंदिर है ये खंडित और भग्नावस्था में है। देखो, ये जो मंदिर है सूर्य मंदिर उड़ीसा में, ये अब भी है, पर ये एक खंडित और भग्नावस्था में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो यह है कि जो पहले इसको उत्कल बोलते थे उड़ीसा को, उसके बाद में उड़ीसा कहने लगे उत्कल से, और उत्कल प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद में अब इसका वर्तमान में नाम उड़ीसा कर दिया गया है। और ये सूर्य मंदिर के ऊपर पूरी कथा कही गई है कि सूर्य मंदिर को किस प्रकार बनवाया गया था और ये किस समय की बात है, किस राजा के शासनकाल में ये मंदिर बनवाया गया था, ये सारी बातें इस नाटक के सार में दिखाया गया है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो ये नाटक है, ये बहुत ही श्रेष्ठ नाटक माना गया है। धन्यवाद।